इंडियन क्रिकेटर ऋषभ पंत एक खौफनाक सड़क हादसे में हुए शदीद तौर पर जख्मी। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ऋषभ पंत की गाड़ी बतारीख 30 दिसंबर बरोज़े जुमा को दिल्ली से अपने आबाई वतन वापस आते हुए हादसे का शिकार हो गई। रोटकी के नरसन बॉर्डर पर मोहम्मदपुर झाल के करीब एक मोड़ पर इनकी BMW कार हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में ऋषभ को शदीद चोटें आई है। इनकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद देखते ही देखते कार में आग भड़क उठी। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पा लिया गया। वहीं हादसे में शदीद तौर पर ज़ख्मी होने वाले ऋषभ पंत को दिल्ली रोड पर वाक़े सक्षम अस्पताल में भी दाखिल करवाया गया है। जुमे की सुबह हिंदुस्तानी खिलाड़ी ऋषभ पंत BMW कार में दिल्ली से रोटकी आ रहे थे। जब इनकी गाड़ी नरसान टाउन पहुंची तो कार बेकाबू होकर रेलिंग सुतून तोड़कर सड़क पर उलट गई। इसके बाद देखते ही देखते इनकी गाड़ी में ज़बरदस्त आग भड़क उठी। तब तक गांव वाले और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। फौरी तौर पर ज़ख्मी ऋषभ को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।